कर रहे हैं, पहले तो मैं जो रेल संघ के जो कोई व्यक्ति हैं उन्होंने जो कल कहा था उनसे आज हमने बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनी सुनाई बातों के आधार पर ये बात कही थी। उन्होंने रिटर्न में अपना एक्सक्यूज़ दिया इस बारे में कि मुझे जानकारी नहीं है, मैंने केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो स्टेटमेंट दिया था। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। वो एक्चुअली में मूलतः एक अफवाह जैसी बात है, हालांकि हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि जो लोग जहां पर भी रह रहे हैं, केवल इस रेल म्यूजियम की बात नहीं है, जहां पर भी शेल्टर कैंप रखे बनाए गए हैं वहां से लोग भागने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति भी अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह का ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई बहुत बड़ी संख्या ऐसी नहीं जहाँ पर बहुत लोग बाहर जा रहे हो। जब भी कोई बाहर निकल कर जाता है उसको तुरंत हम ढूंढ करके लाते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, कार्रवाई करते हैं। आज सुबह वाले मामले में रात में एक व्यक्ति जो निकल करके फरार हो गया था, जिसे सुबह हमने वैशाली में पकड़ लिया और उसे वापस जहाँ पर पहुँचाना चाहिए था वहाँ पहुँचा दिया गया। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि हम कह सकें कि इतने लोग अभी नहीं मिले हैं। जो भी व्यक्ति गए थे उन्हें हमने पकड़ लिया, वापस उनको लेकर के उनके शेल्टर होम में रखवा दिया गया, चाहे वो रेल म्यूजियम हो या अन्य कोई शेल्टर हो। सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजमेर में बहुत बड़ी संख्या में भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हमेशा से यहाँ पर रहे हैं, और इन कैंप्स में हमने काफ़ी बड़ी संख्या में पहले ही लोगों को एकत्र करके रखा है। फिर भी कुछ जगहों पर अभी कुछ लोग बाकी हैं जो कि अलग अलग बैठे हुए हैं, कोई एक साथ ग्रुप में कहीं पर भी नहीं है। हम उनके लिए जगहों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज ही हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है, 2 जगह फिर से आइडेंटिफाई की गई हैं। ऐसे सभी लोग जो कहीं पर भी रह गए हैं, छूट गए हैं और भिक्षावृत्ति करते हैं, उनके खाने की व्यवस्था तो वहीं पर पहले ही की हुई है, लेकिन उनको अब हम उन कैंप में रखवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो कहीं भी भिक्षा मांगता है वो उस जगह पर, उस रोड पर नहीं रहे, वो उस कैंप में ज़रूर पहुँच जाए। पहले भी उनका टेस्टिंग कराया था, आप डिटेल में बताएंगे, पर मैं इस चीज़ को आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिलों में कहीं पर भी रुके हुए हैं, चाहे वो अपने स्टेट के रहने वाले हों चाहे किसी अन्य स्टेट के रहने वाले हों, जो लोग अपने ठिकानों पर नहीं पहुँच पाए वो शेल्टर होम्स में ही रखे जा रहे हैं, उन्हें एक साथ रखने के ही निर्देश हैं। वहाँ पर उनकी सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाती है, लेकिन जैसा आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो कि नियमों की चिंता नहीं करते। लोग अभी भी अपने घरों से, अजमेर के निवासी अपने घरों से निकलते हैं और तब भी वो इन नियमों की पालना करने से बचते हैं, और जिनकी आप बात कर रहे हो तो भिखारी प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें समझाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। जहाँ उन्हें रखा गया था वहाँ क्षमता बहुत ज़्यादा है, रेल म्यूजियम जो है आप जानते हैं बहुत बड़ा स्पेस है। मात्र 173 लोग वहाँ पर थे, जबकि वहाँ पर अगर 300 लोग भी हों तो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखे जा सकते हैं। समस्या वही है कि जब तक लगातार उन पर नज़र रखी जाती है तब तक वो दूर दूर रहते हैं, रात में सोने के समय या फिर अन्य किसी एक्टिविटी के टाइम पर वो फिर आकर के आसपास बैठ करके बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उसका ही नतीजा है कि एक साथ 8 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड मिले हैं। तो इसमें कोई गलती की बात नहीं है, इसे समझना होगा कि जो लोग शेल्टर होम में रखे गए हैं, शेल्टर होम्स में इतने रूम्स नहीं होते कि हर रूम में एक व्यक्ति या दो व्यक्ति रख करके सबको सेपरेट किया जा सके। वो तो एक कॉमन स्पेस है जहाँ पर कि लोगों को हम समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उन नियमों के दायरे में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को माने, आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, उन सभी को मास्क दिए गए हैं, मास्क पहनने के लिए दिए गए हैं। फिर भी हर व्यक्ति जो है वो समझना नहीं चाहता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि नियमों की चिंता नहीं करते और ये प्रॉब्लम उसका ही नतीजा है। इसमें किसी की ऐसी कोई कमी नहीं है, अपने अपने कार्य सभी डिपार्टमेंट कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश लगातार यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी जाए। से या फिर क्वारंटाइन से फरार हुए हैं उनके कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 188 की कार्रवाई उन पर हो चुकी है। अगर आपको डिटेल में संख्या चाहिए तो वो आपको उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसे सभी लोग जो कि किसी भी जगह पर कोई नियम का वायलेशन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई लगातार हो रही है। सर, ये शेल्टर होम को कहीं और शिफ्ट करने की है क्या जो शहर में है? नहीं, शेल्टर होम कहीं शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। वो लोग जो कि उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के आसपास रहे हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा क्वारंटाइन में। दो अलग अलग चीज़ें ऐसे समझने की ज़रूरत है। एक तो शेल्टर होम है जहाँ पर हमने उन लोगों को शेल्टर दिया हुआ है जो किसी और ज़िले के या किसी और स्टेट के थे, अपने यहाँ फंस गए हैं, चाहे वो भिक्षावृत्ति वाले लोग हों या कोई मजदूर लोग हों, उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। अब क्योंकि हमारे एक शेल्टर होम में एक व्यक्ति पॉजिटिव निकला, उसके बाद में चेक कराने पर 10 और व्यक्ति पॉजिटिव निकले, उस शेल्टर होम के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी कि उन्हें लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्वारंटाइन के लिए अलग से जगहें चिन्हित की हुई हैं, जैसा कलेक्टर साहब ने आपको बताया अभी कि जिले में 21 स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पर क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को रखा जाएगा। शेल्टर होम 26 अलग से पहले ही फंक्शन है, तो ये सब लोग अब क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे जाएंगे।
जहां लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन कराएंगे। जायरीन फंसे हुए नहीं है, देखिए जायरीन यहाँ पर स्वेच्छा से आए थे, वो अपनी स्वेच्छा से किसी होटल में, धर्मशाला में या किसी खादिम के घर पर रुके हुए हैं और सरकार के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं, जो जहाँ है वहीं रहेगा। वो फंसे हुए नहीं है, वो लॉकडाउन लग जाने के कारण लौट कर नहीं जा पाए हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जब भी किसी ने ये मैसेज किया कि हमें खाने की दिक्कत है, हमने चेक करवाया है, और हर बात ये बात झूठी पाई गई हर बार। उनका सारा मकसद एक ही है कि हमें वापस घरों को जाने का इंतजाम किया जाए, जिसके बारे में उन्हें बार बार बताया जा रहा है कि आप घर तब तक नहीं जा सकते जब तक कि लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो आपके अपने परिवारों में लोग होंगे, जहाँ पर कि घर का कोई सदस्य बाहर गया, आप लौट नहीं पा रहा है, तो वो लोग वहाँ पर लॉकडाउन के कारण उनको रुकना पड़ रहा है, बाकी वो किसी समस्या में फंसे हुए नहीं। सर जो 40 जने मिले थे, जन कौन से? मलंग वाले। देखिए मलंग यहाँ पर रहते हैं पहले से ही, उन सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग हो गई है, वो जहाँ पर रहते हैं उन्हें वहाँ पर व्यवस्थित रूप से रखाया जाएगा। उनका मेडिकल स्क्रीनिंग की लगातार इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि हमारे सभी के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, केवल पुलिस डिपार्टमेंट के नहीं, जिला प्रशासन के काफ़ी लोग हैं जो इस पूरी एक्टिविटी में एंगेज है, पुलिस के हैं, सफाई कर्मचारी हैं जो इस पूरी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, कहीं कहीं पे टीचर्स भी लगाए हुए हैं। उन सब के लिए जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका लगातार कलेक्टर साहब की तरफ से बार बार चेक किया जा रहा है, उसकी पालना की जा रही है। हम अपने सभी कर्मचारियों को चेक कराएंगे। इसके बावजूद मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी कर्मचारी वहाँ थे, कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, उन सभी को आइसोलेट करने की डिमांड की जा रही थी कि साहब उनको आइसोलेट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए इस समय ये समझना बहुत ज़रूरी है, हम उनकी चेकिंग कराएंगे, यदि कोई डाउट की बात ज़्यादा निकली तब हम उन लोगों के आइसोलेशन की प्रोसेस शुरू करेंगे। हमारे लिए संभव नहीं कि हर व्यक्ति जो इस पूरी प्रोसेस में लगा हुआ है, काम कर रहा है, उसको केवल इस आधार पर कि क्योंकि वो वहाँ गया था विजिट करने के लिए या क्योंकि वो कभी ड्यूटी करने वहाँ गया था, उसे आइसोलेट कर दिया जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम सब लगातार उस खतरे के दायरे में काम कर रहे हैं, हर छोटी बात के लिए आइसोलेशन की डिमांड उचित नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समझें कि किस परिस्थिति में सारा जो फोर्स है, सारे जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। हम हर उस व्यक्ति को चेक करा रहे हैं जो कि इस पूरी प्रोसेस में कभी भी आया है बीच में, चाहे वो विजिट करने रेल म्यूजियम गया हो, चाहे वो अपनी ड्यूटी करने गया हो, चाहे वो वहाँ पर रह करके अपनी ड्यूटी कर रहा हो, उससे सबको चेक किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस व्यक्ति को और उसकी जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उन्हें आइसोलेट किया जाएगा, सबको आइसोलेट नहीं किया जाएगा।